मार डालेंगे की ये बंद पैकेट की चीजें, इन्हें खाने का मजा समझो, जिंदगी भर की सजा जो कि पल भर में आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। बाहर की चीजें खाना अब खतरे से खाली नहीं, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम डेली रूटीन बेसिस पर यूज करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन आपको ये बता दूं कि कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी चीजें जिनसे आप अनजान हैं। अगर आपको भी अपनी और अपनों की सेहत प्यारी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो आपकी आंखें खोल कर रख देगी, जिसके बारे में अगर आप समझ गए तो उसे दोबारा खाना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करोगे, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अलग अलग तरह के जूस और कोल्ड ड्रिंक्स हमें मार्केट में देखने को मिल जाते हैं और आपने कई जगहों पर लोगों को तरह तरह के जूस को बेचते हुए भी देखा होगा। रास्ते पर नींबू पानी तो आप सभी ने कभी न कभी पिया ही होगा, लेकिन अभी जो जूस वंडर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल भी अलग तरीके से जूस सर्व करते हैं और ऐसी लापरवाही भी करते हैं जिसकी वजह से किसी की भी जान जा सकती है। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ये आदमी एक के बाद एक जोरों से ग्लास में उसे भरते ही चले जा रहा है और कस्टमर्स को दे रहा है, लेकिन जब वो ग्लास उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है तो उस टूटे हुए ग्लास के हिस्से जूस के बड़े से बर्तन में गिर जाते हैं और आइस के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसमें से कांच का वो बड़ा टुकड़ा वो आदमी बाहर निकाल लेता है। लेकिन उस बर्तन में उस ग्लास के और भी तो टुकड़े हो सकते हैं, जिसे चेक करना था या उस जूस को फेंक देना उस आदमी ने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे तो बिजनेस करना है। हालांकि इससे किसी की भी जान जा सकती है, लेकिन उस आदमी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वैसे ही उस जूस को बेचता रहा। दोस्तों, पाव भारत में लगभग हर जगह खाई जाने वाली चीजों में से एक है। बड़ा पाव तो जैसे मशहूर खाने का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है कि पाव का ये नाम पाव कैसे पड़ा? नहीं पता तो आपको बता दें, शायद उसके तरीके से, क्योंकि इसके आटे को पाव से गूंथा जाता है। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पाव बनाने के लिए पाव से ही आटा गूंथा जा रहा है, और इतना ही नहीं, इस आटे को जमीन पर रखकर गूंथा जा रहा है जिधर धूल, मक्खी और बहुत से ऐसे कीटाणु मौजूद होते हैं जो बीमार करने के लिए काफी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इतनी गंदगी के अलावा इस रेसिपी में और क्या चीज मिलती है? तो आपको बता दें कि पाव बनाने वाले के हाथों की वजह से वो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाते हैं। सच में इनके हाथों में जादू है, और ये जादू कहां से आता है चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आदमी खुले बदन खड़ा होकर पाव बना रहा है, और इसने पता नहीं किस किस जगह को छुआ होगा जिसके बाद ये पाव बनते हैं, जिसे हम अलग अलग चीजों के साथ खाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि इस पैकेट के अंदर होने वाले पाव को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि खाने को लगभग हर जगह बहुत ही मान दिया जाता है, क्योंकि ये हमारी भूख को मिटाता है और गिरे हुए खाने पर हम पैर रखना पाप समझते हैं। इससे खाने का अपमान होता है, क्योंकि बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है कि खाने की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को इसकी जरा भी समझ नहीं है, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में आप जो आदमी देख रहे हैं वो एक बहुत ही बड़े खाने के बर्तन में खड़ा हुआ है और उसमें से बाल्टियों में खाना निकालकर ऊपर खड़े आदमी के हाथ में दे रहा है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गंदा सा आदमी कैसे पूरे पतीले में यूं ही खड़ा हुआ है। दोस्तों, आपसे हमारा बस यही कहना होगा कि अगली बार कहीं भी खाना खाते समय इस बात का ख्याल जरूर रखना। दोस्तों, चिकन कई लोगों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट खाना है और लोग अलग अलग तरीके से इसे खाना भी पसंद करते हैं, इसलिए चिकन की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ी रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही चिकन आपको बीमार भी कर सकता है? लोगों को कम पैसों में बड़ी से बड़ी तंदुरुस्त मुर्गी चाहिए होती है, इसलिए मुर्गी बेचने वाले उन मुर्गियों को एंटीबायोटिक और इंजेक्शन भी देते हैं, जिससे वो कम समय में बड़े और मोटे हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं, और बहुत ज्यादा मुर्गियां होने की वजह से उनको रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें ठूस ठूस कर रखा जाता है। और बहुत ही कम जगह में इन मुर्गियों के रहने की वजह से इनमें से बहुत सारी मुर्गियां मर भी जाती हैं, फिर भी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने लगती हैं, और जिसके बाद उन्हें पैक करते वक्त भी कुछ कंपनियां सफाई का ध्यान नहीं रखती, जिसकी वजह से ये खाने लायक भी नहीं रहती। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह वो बास्केट उठाने वाला आदमी नीचे पड़े हुए चिकन के पास से गुजर रहा है, लेकिन उसे उठा नहीं रहा, और तभी थोड़ी देर बाद वहां दूसरा आदमी आकर उस चिकन को उठाकर रख देता है, जबकि उसे सही तरह से उसे साफ करना चाहिए था, लेकिन ये लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और आगे चलकर ये चिकन आपके घरों में या रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं, जहां इनसे कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं।
लेकिन पोल्ट्री वालों को उनके द्वारा हुई लापरवाही से फैली बीमारियों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग ये चिकन नहीं खाते। दोस्तों, दूध शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक माना जाता है, लेकिन अभी आप जिन जनाब को देखोगे वो बड़े ही आराम से हमारी सेहत को और ज्यादा बिगाड़ने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो दूध में अच्छी तरह से पानी भी मिला रहे हैं, और इसके लिए इनको बोतल या नल में से पानी लाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके तो बगल में ही एक तालाब है जिसमें उनकी नाव चल रही है और ये जनाब उसी में से मग से पानी निकालकर दूध में डालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सरेआम दूध में तालाब का इतना गंदा पानी डाले ही जा रहे हैं, और ये दूध हमारे घरों में आता है जिसे हमारे बच्चे और हम पीते हैं, और इसी की वजह से हम बीमार भी पड़ते हैं, लेकिन इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, पानीपुरी और गोलगप्पे खाना लगभग सभी को पसंद है, और उसे खाने के लिए हम कई अलग अलग जगह भी जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे किस तरह से और कितनी साफ सफाई में बनाया जाता है? अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें ये आदमी पानीपुरी का चटपटा पानी बना रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो कैसी जगह पर यह पानी बना रहा है, और इसे बनाने के लिए जो पानी वो इस्तेमाल कर रहा है वो डायरेक्ट एक नल से पाइप के जरिए सीधे उसके बर्तन में जा रहा है। और ये पानी कौन सा है या फिर किधर से आ रहा है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस पाइप के अगल बगल का माहौल बहुत ही गंदा है, जिसके बाद ये आदमी उस बर्तन में दो गंदे कंटेनर डुबाता है जिसमें वो ये पानी भर लेता है। और जबकि आप देख सकते हैं कि ये कितना गंदा है, और बाजू में ही कपड़े धोने का साबुन भी रखा हुआ है, और इस पानी पूरी के पानी को हम लोग चटकारे लेकर मजे से खाते हैं और दूसरे ही दिन हमारा पेट खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का यही मकसद था कि आप ऐसी चीजों को खाना बिल्कुल ही बंद कर दें। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी चीजें आपके अपनों की सेहत को न बिगाड़ें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि इतने गंदे तरीके से इन चीजों को बनाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर इतनी गंदगी से इन चीजों को बनाने वालों के साथ हमें क्या करना चाहिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।